घंटे के अंदर ही मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव की मंत्री की टिप्पणी के बाद हुए जबरदस्त विरोध के बाद मालदीव की मंत्री ने अपनी पोस्ट को कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के कड़े रुख के बाद मालदीव ने मंत्री को सस्पेंड कर दिया है। विवादास्पद बयान देने वाली मरियम शियोना सस्पेंड हो चुकी हैं। मालदीव के मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मालदीव के मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, खबर यह है कि भारत के कड़े रुख के बाद मालदीव ने अपने मंत्री मरियम शियोना को सस्पेंड कर दिया है। मरियम शियोना वही मंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विरोध जब भारत ने जताया उसके बाद से इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन अब यह बड़ी कार्रवाई, हालांकि पुष्टि हो चुकी है इस खबर की। नीरज ज्यादा जानकारी दे रहे, नीरज क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या मरियम शियोना को सस्पेंड कर दिया गया है? देखिए, मरियम और मालसा का नाम वहां के मीडिया में सामने आ रहा है, मालदीव के मीडिया में, और जो गवर्नमेंट की तरफ से ये खबरें आ रही है कि जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं पूरे बयानों के लिए, जो अपमानजनक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर दिया है, उसे लेकर सस्पेंड किया गया है। मरियम और मालसा का नाम आ रहा है, एक और मिनिस्टर का नाम आ रहा था, हालांकि उन्होंने इसे एक न्यूज करार दिया है। और मालदीव की मीडिया में भी उनकी बर्खास्तगी या यूं कहे कि निलंबन को गलत बताया गया है, लेकिन दो मिनिस्टर का नाम आ रहा है, मरियम जिनका ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधे था, और मालसा, दोनों को सस्पेंड करने की खबर मालदीव के मीडिया के हवाले से आ रही है। जी शुक्रिया नीरज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मालदीव के मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, जानकारी मिल पा रही है कि मरियम शियोना को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव की एक मंत्री का एक ऐसा बयान सामने आया था जिसके बाद लगातार जो है भारत की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया गया। मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उपमंत्री मरियम शियोना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की क्योंकि लक्षद्वीप की जब तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की थी, इन तस्वीरों पर उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद विरोध होने पर उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने विरोध दर्ज करवाया है, आपत्ति दर्ज करवाई गई, जिसके बाद मालदीव सरकार ने मंत्री के बयान से किनारा भी कर दिया क्योंकि लगातार यहां पर प्रेशर बिल्ड हो रहा था और मालदीव्स को घुटने टेकने पड़े, जिसके बाद अब जानकारी मिल पा रही है मालदीव्स के मीडिया के हवालों से कि अब मरियम शियोना को सस्पेंड कर दिया गया है।